फिर वो आपकी हेडलाइंस भी तो होती है, हेडलाइंस के बाद कर लो। हाँ अजान थी वजह ना नहीं मैं तेरा फोन तेरा तक दस ना तो आ मैं तेरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज तशरीफ़ ले आए और मुझे मौका इनायत किया कि मैं जो आज हालात हाजरा हैं उस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करूं। जैसे कि आपके इल्म में है इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और तहरीके इंसाफ ने इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। मैं ये इलेक्शन चेयरमैन के अहकामात पर अपनी ज़ात के लिए नहीं अपनी जमात के लिए लड़ रहा हूं। ये इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने नज़रियात के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये कौम को आगाह करना चाहता हूं और ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि जो मैं माहौल देख रहा हूं और जो मैं इलेक्शंस के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूं, वैसे एक सियासी कारकुन के मेरा फर्ज बनता है मैं इसको बेनकाब करूं। मैं आपको ताजी मिसाल देना चाहता हूं। आज जो इलेक्शन कमीशन की मुकर्रा तारीख थी उसके मुताबिक मैं अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने आया। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख को NA 156 मुल्तान 3 के कागजात वसूल करने थे ADCR ने, जिनको कि इलेक्शन कमीशन ने इस हलके का RO तैनात किया। कल रात अचानक एक नया मरासला जारी किया जाता है, वो शख्सियत जिसने हमें कागजात नामजदगी इशू किए, जिसके सामने मैंने आज पेश होना था, उनको तब्दील कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद RO तब्दील, छोटा अफसर तब्दील नहीं होता, चे जाए कि RO तब्दील किया जाए। इससे आपको अंदाजा होगा कि यह निगरान सेटअप किस किस्म के इंतखाबात करवाना चाहती है। पंजाब में जिस अंदाज में तबादले किए जा रहे हैं और मनपसंद तैनातियां की जा रही हैं सियासी मकासिद के हसूल के लिए, वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम और शहरी ये इनके साथ जो मजाक किया जा रहा है वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं।
जो पुख्ता सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं और जो सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं और इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ये जानते हुए कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है, इन हालात में हम मैदान में उतरे हैं। जैसे मैंने कहा, अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश करने और इनके जो प्रोग्राम हैं उनको बेनकाब करने, पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस वक्त आजमाइश है पाकिस्तान की अदलिया की कि जिस तरह आईन को, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है, उसका दिफा सिर्फ और सिर्फ अदलिया कर सकती है। आजमाइश है इलेक्शन कमीशन की, जो उनको आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है शफाफ इलेक्शंस की, वो उस आईनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो शेड्यूल के बाद आम अफसरों को छोड़िए, रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती और तबादला आज तक मैंने कभी नहीं सुना। 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, ये वाक्यात जो आज रूनुमा हो रहे हैं मैंने माजी में कभी नहीं देखे। मुख्तलिफ अदवार आए, हमने बहुत सी ऊंच नीच देखी है, लेकिन ऐसा निजाम पहले नहीं देखा। ये बिल्कुल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ईमा से ये तबादले किए जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कम से कम मुझे नाकाम दिखाई दे रहा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की सिविल सर्विस की, और सिविल सर्विस में लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां, नौजवान खवातीन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, सिफारिश के जरिए नहीं। और वो मुहाफिज हैं आईन के, वो मुहाफिज हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और उनका ओधा इस बात की जिम्मेदारी उन पर आयद करता है कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, हुकूमत वक्त के नहीं। और अगर हुकूमत वक्त अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती है तो उन्हें ऐसा हुकूमत वक्त का आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए। उन्हें कानून, आईन, इखलाकियात के तकाजों पर कौम को पूरा उतर कर दिखाना है। यह है आजमाइश इस इदारे की जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बदकिस्मती से यके बाद दीगर मुख्तलिफ अदवार में इस इदारे को कॉम्प्रोमाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और खमियाजा सबने भुगता और भुगतेंगे। पाकिस्तान के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हम माजी की रविश से हटकर ऐसी रिवायात कायम करें
जिससे लोगों को इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद हो। अगर लोगों का इस प्रोसेस से एतमाद उठ गया तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, इंतखाबात हो जाएंगे। अगर इंतखाबात के नताइज कौम ने कबूल न किए तो वो इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। अगर सियासी इस्तेकाम जो पाकिस्तान की जरूरत है, जो हमारी मईशत की बहाली के लिए लाजिम है, अगर वो सियासी इस्तेकाम हासिल करने में हम नाकाम हो गए और ये इंतहाब उसका जरिया बन गया उस नाकामी का, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह आजमाइश है हमारी अदलिया की कि वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने में क्या किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर घराना उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ती है या हुकूमत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं कल रात देख रहा था और ताज्जुब हो रहा था कि इसी गुजरात जिले में चंद हफ्ते पहले जो सीपीओ, डीपीओ और जो वहां आरपीओ साहिबान थे, जो वहां पुंजा हाउस की हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कल रात उनको दीवारें फलांगते देखा गया। मैं समझता हूं उनकी मजबूरियों का मुझे एहसास है। 25 मई के वाकयात पाकिस्तानी कौम की नजरों से ओझल नहीं है और इस वक्त जो धमकियां दे रहे हैं वजीर दाखला, वो माहौल को साजगार आलूदा करने में किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ दावत दी जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की और दूसरी तरफ ये अमल और ये अमली मुजाहरा आपके सामने है। गिरफ्तारियां, लोगों की दहलीज पार करना, ये तजादात हैं और इन तजादात की मैंने पहले भी निशानदेही की है और आज भी कर रहा हूं। ये आजमाइश है मीडिया हाउसेस की कि क्या वो हकायक लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या निभा रहे हैं। लोग नजर रखे हैं, लोगों ने हर चैनल पर रखी है नजर और जो चैनल निभा रहा है लोग उसको देख रहे हैं और जो कतरा रहा है लोग उसे स्विच कर रहे हैं और उस चैनल की तरफ अपनी तवज्जो दे रहे हैं जो उनकी राय में फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये आजमाइश पाकिस्तान के उन इदारों की है जो पाकिस्तान के इस वक्त जो नाजुक हालात हैं उन पर उनकी नजर है। जो माशी बहरान हमारे सर पे मंडला रहा है और जो दहशतगर्दी का एक नया तूफान हमने अगस्त से देखा है और पेशावर का सानिया आपके सामने है, ये सब वाकयात कुछ और तकाजे कर रहे हैं कौम से, सियासतदानों से, सिविल सर्विस से, सिविल सोसाइटी से, आम शहरियों से। और हुकूमत वक्त जो मरकज में पीडीएम की है उसका अंदाज़े फिक्र और सोच और अमल उसके उलट है। तो मैं आज पूरी कौम को आगाह कर रहा हूं और इनके जो ताजा वाकया मैंने आपके सामने देखा है कि रात को आरओ की तबादला, ये एक निशानदेही है। कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये मैसेजिंग है जो दी जा रही है।
पाकिस्तान के शहरियों से मेरी अपील है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो खामोशी से सब देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं, हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप गिराव जलाव करें, तोड़ फोड़ करें, लोगों की सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। हरगिज हमारा ये इरादा नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उन्हें इस फस्ताइयत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, उन्हें इसका मुकाबला करना होगा। और मुकाबले का एक तरीका जो आवाम के पास है वो ये है, अगर वाकईतन वो तंग हैं इस महंगाई, बेरोजगारी, इस लाकानूनियत से, तो फिर 16 मार्च को उन्हें बाहर निकलना होगा और वो अपने वोट की ताकत से एक पैगाम देना होगा, उन सब कुवतों को पैगाम देना होगा जो मनपसंद नताइज हासिल करना चाहती हैं। क्योंकि आज रिवायती सियासत से हटकर पाकिस्तान की बका की सियासत का आगाज हो रहा है। रिवायती सियासतदान सर झुका लेते हैं, मसलतों के कायल हो जाते हैं, अपने मफादात को तरजीह देते हैं, मैं ना बिगाड़ूं किसी से, कहीं मेरा हलका ना मुतासिर हो जाए, कहीं मेरी इलेक्टेबिलिटी ना मुतासिर हो जाए। रिवायत के तकाजे यही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का तकाजा यह है कि आज जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको सामने रखते हुए हम में से कुछ लोगों को सर उठाना होगा, सर उठा के जीने का सबक देना होगा। और उसमें तकलीफें आएंगी, यकीनन आएंगी, उस पर कीचड़ उछाला जाएगा, कातलाना हमले भी हो सकते हैं, कैदोबंद की सोहबतें भी बर्दाश्त करना होंगी, लेकिन मुल्क के लिए ये आज पाकिस्तान की जरूरत है। कम से कम तहरीक इंसाफ तारीख में यह रिकॉर्ड करवाना चाहती है कि हम इस फस्ताइयत का हिस्सा नहीं रहे। और आज अगर आवाम की तर्जुमानी कोई जमात कर रही है तो वो तहरीक इंसाफ है, बाकी तो सब मसलतों के तहत जमा हो गए हैं एक PDM अलायंस में, जिसमें कोई नजरियाती मुमासलत नहीं है, मफादात का जोड़ है, और उस मफादात के जोड़ का पाकिस्तान के मफादात से टकराव दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज करना है या PDM के मफादात का। शुक्रिया। अच्छा सर, कौमी असेंबली का तो ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन पेपर भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अहम निगरान हुकूमतें जो है सूबाई और जो सूबे के इलेक्शन है उसके हवाले से ना डेट अनाउंस हो रही है ना कुछ, और शनीर यही है कि वो ये ज़िमनी इंतखाब कराने में कुछ संजीदा नहीं है, नवंबर में जनरल इलेक्शन में ही ये इलेक्शन होंगे। देखिए सवाल ये है कि आप देख रहे हैं दो अमली, कहा जा रहा है आइन तो बड़ा वाजे है, आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, हम अदालतों में भी गए हैं, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में हम हैं, हम जो कानूनी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, जो सियासी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अजायम कुछ और है। वो अपने मन पसंद नतायज देखना चाहते हैं, उन नतायज के हसूल के लिए वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है। आप देखेंगे वो बहुत से लोगों को वरगलाएंगे, जो तहरीक इंसाफ के साथ चार साल रहे हैं उनमें से कईयों को झुकाने की कोशिश करेंगे, उनकी वफादारियां तब्दील करने की, खरीदने की कोशिश करेंगे, जो की हैं उनने कौमी असेंबली में भी और पंजाब की असेंबली में की हैं, वो सब करेंगे। वो उनको ये झांसा भी देंगे कि आप इस तरफ रुख करें, अगर आपने अपनी सीट जीतनी है तो हमसे रुजू करें, और अगर आपने शिकस्त का सामना करना है तो अपने नजरिए पे कायम रहें। ये चुनाव हर फर्द को करना है, हर इंडिविजुअल को करना है,
کہ کیا اس نے اپنی ذات کو ترجیح دینی ہے یا پاکستان جن امیدوں سے حاصل کیا گیا ان نظریات کو ترجیح دینی ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہ واٹر شیڈ ہے پاکستان کی سیاست میں, اور اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں چاہ رہے الیکشنز. ایک طرف کہتی ہیں حالات سازگار نہیں ہیں, امن اما کی صورتحال سیکیورٹی سچویشن ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم ابھی اس پر نظر ثانی کریں. الیکشن کمیشن اور مختلف سٹیک ہولڈرز اس پر اپنی رائے دیں, جیسے گورنر کے پی کے نے کہا, ان کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. اور دوسری طرف ضمنی انتخابات کے لیے جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, پنجاب میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, ماحول مختلف ہے. تو یہ جو دو عملی قوم دیکھ رہی ہے, قوم کو اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہوگی. دیکھیے, میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, یہ عمل پورے پنجاب میں ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شیڈیول کے بعد, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یہ تعیناتیاں بالکل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن جو آئے دن ہمیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے نوٹسز جاری کرتا تھا, آئی نوٹس کیوں نہیں لے رہا؟ دیکھیے, یہی تو سوال ہے, یہی تو سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے گا. اور آرو کا تبدیل ہونا, جس کو خود لگایا گیا ہو, نوٹیفائی کیا گیا ہو, اس نے کاغذات جاری کر دیے ہو, ان کاغذات کو آج ان نے وصول کر لیا ہو, سکروٹنی کی ڈیٹ دے دی ہو, جو مجھے دے دی ہے ان نے, بروز جمعہ 10 تاریخ کو 11 بجے مجھے ڈیٹ دی ہے اور میں شیڈیول کے مطابق حاضر ہوا ہوں, اس کو تبدیل کر دینا اور پھر ان کو پیغامات دینے کہ آپ دفتر نہ پہنچیں, آپ کاغذات وصول نہ کریں, یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا واضح واضح انٹرفیئرنس ہے اور فری فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کی نفی ہے. وہ جانے ان کا کام جانے, کسی اور کو. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, آج ادویات کی قیمتیں 300% بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے, اس کے علاوہ دیکھیے عرضی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے کون کا کس کا سوچنا ہے اس کا؟ سیاستدانوں نے جی, ہم نے سوچا جب ہم حکومت میں تھے, تحریک انصاف حکومت میں تھی, یہی پی ڈی ایم کی سرکار جو آج ہے وہ کہتی تھی لاک ڈاؤن کر دو, بازار بند کر دو, اور عمران خان کہتے تھے کہ جو دہاڑی دار ہے وہ روٹی کہاں سے کھائے گا. ہم نے ان کو اسپیشل ڈسپنسیشن دی احساس پروگرام کے ذریعے تاکہ ان کا چولہا جلتا رہے. ہم نے صنعتوں کو بند نہیں کیا, ہم نے انسینٹیوز دیے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے. انہوں نے آج سب واپس لے لیے ہیں, آج انہوں نے وہ سب واپس لے لیے ہیں. مہنگائی کا طوفان آج جو برپا ہو رہا ہے, جس سے عام شہری چلا رہا ہے, اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے جو اب آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ کرنے چلی ہے. میں نے تبھی تو پرسوں سوال کیا تھا مریم صاحبہ سے, آپ ملتان آئی ہیں, ورکرز کو کیا پیغام دینے آئی ہیں؟ یہ مہنگائی کا تحفہ لے کر آئی ہوں, بے روزگاری کا تحفہ لے کر آئی ہوں. جی اب دیکھیے, ایک قدم جو تحریک, آپ نے کہا نا غریبوں کا سوچے, ایک قدم جو عمران خان اور تحریک انصاف نے اٹھایا, جس کی سب نے تعریف کی, آپ کسی گھرانے کے پاس چلے جائیں, چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں, جو اس سہولت سے مستفید ہوا, ان سے پوچھیں کہ یہ اسکیم کیسی تھی, اس اسکیم کا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. 10 لاکھ تک جو ان کو ہیلتھ انشورنس دی گئی, ہر کنبے نے سکھ کا سانس لیا. اس حکومت نے انصاف صحت کارڈ
को बंद कर दिया है। आप इनसे तवक्को करते हैं कि ये गरीबों का सोचे? ये गरीब का नहीं, अपने मफादात का सोच रहे हैं। इनका पर्सनल एजेंडा है, नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान के मफादात नहीं है, इनका एजेंडा अपने केसेस, नैब के केसेस से फरार है। आप आगे आए किसी और को नहीं हुआ। अच्छा आप कर लें, इनके बात कर लें। देखिए हथकंडे तो वही पुराने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं हथकंडे पुराने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस नए हैं। वो पुराने हथकंडे आज के पाकिस्तान में कारामत साबित नहीं होंगे। आज के पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसके तकाजे मुख्तलिफ हैं। अगर हम उन तकाजों पर नहीं उतरेंगे मुल्क को नुकसान होगा। अगर 90 की दहाई को आप रिपीट करना चाहते हैं तो वो ऐसा नाकाबले तलाफी नुकसान होगा जिसका अजाला मुमकिन नहीं होगा। जी भाई, एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं, न्यूट्रल है जो जैसे वो कहते हैं न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि अगर वो न्यूट्रल हैं, अगर वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए। ये जो कानून शिकनी हो रही है, ये जाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आरओ की तैनाती करके दरखास्त, मेरी दरखास्त से पहले रातों रात उसके तबादले का ऑर्डर देना, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्हें अपने इकदाम से और अमल से साबित करना होगा कि वो गैर जानबदार है। अच्छा सर, कल आपकी पेशी भी है एफआईए इस्लामाबाद में, जी से, तो सर आपने आज कागजात भी जमा करवा दिए हैं, तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो किस तरह देख रहे हैं जिमनी इंतखाब होता? देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने कागजात आज जमा इसलिए करवाए कि कल मुझे इस्लामाबाद में कचहरी में पेश होना है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मुझ पर मेरे इल्म के मुताबिक गालिबन अभी तक छः एफआईआरें दाखिल हो चुकी हैं, और दहशतगर्द ठहरा तो वो पेश होऊंगा और अपनी सफाई पेश करूंगा। पिछली पेशी पे अपनी मुसरफियात की वजह से पेश ना हो सका तो जज साहब ने फरमाया कि मुझे इन पर्सन पेश होना है कल, और अगर मैं ना पेश हुआ तो शायद वारंट गिरफ्तारी निकल आए। तो मैं उनके हुक्म को बजा लाते हुए अब आज कागजात इसलिए दाखिल किए हैं कि कल मैं कचहरी में पेश हो सकूं और उनके रूबरू अपना मौकिफ पेश कर सकूं। यार हमारे इल्म में नहीं है भाई कि ये जो मुआहदा हो रहा है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये तो डार साहब जाने जो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को डार के आने के बाद डरावने ख्वाब आ रहे हैं और बड़े बेचैन हैं, और बहुत मैंने देखा है लोगों में बेयकीनी है, मायूसी है, बददिली है, और ये मुल्क के लिए और मुल्क को जिस तरफ धकेल रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। सर जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या हुकूमत अमली है? जी जेल भरो तहरीक का आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने उसका फैसला किया है। क्या हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि हम इस हुकूमत का मुकाबला तोड़ फोड़ से करें, गिराव झुलाव से करें, वो हम नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन है कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कानूनी जंग लड़ें, जो हम लड़ रहे हैं, अदालतों गए हुए हैं। और एक ऑप्शन ये है कि हम नकाब करने के लिए एक जेल भरो तहरीक का आगाज करें और कौम को मोबिलाइज करें इस फस्ताइयत के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ।
तो इमरान खान साहब ने यह फैसला जब किया तो मैंने कल टेलीविजन प्रोग्राम में बरमला ये ऐलान किया कि जिस दिन इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया, मैं बहसीत तहरीक इंसाफ के कारकुन के और बहसीत वाइस चेयरमैन के अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। मैं मरियम को कह रहा हूं कि आप इमरान खान का फैसला आने दें, हम जेल भरो तहरीक का आगाज मुल्तान से करेंगे। मैंने सुना नहीं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। जो जो ये जहनीयत का मुजाहरा करे उसको इलाज की जरूरत होती है। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, इतलात ये भी है जेल भरो तहरीक के दौरान जो गिरफ्तार कारकुनान है उनके ऊपर मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, तो इस पर क्या पीटीआई कर रहे हैं लोग, आपकी लीगल टीम भी तैयार है इस सवाल से? देखिए, हम जो हमारे बस में है हम सियासी और कानूनी तौर पर करेंगे। ठीक है जनाब, चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से क्या कहना चाहिए, मजीद भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर गिरफ्तार? भाई वो हाँ आपके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है, मैं उसके बारे में इजहार कर चुका हूँ। मखदूम साहब, मरियम नवाज ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भावलपुर और मुल्तान के तंजीमी दौरे के बाद उनके पास एक लिस्ट मौजूद है जो तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबरान असेंबली है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपकी नजर में ऐसे कौन से? देखिए, मैंने तो पहले कहा, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो हर हर बार इस्तेमाल करेंगे वफादारियां तब्दील करवाने का, किसी को डराएंगे, किसी पे मुकदमा करेंगे, किसी को जो टिकट का झांसा देंगे, तो वो सब कुछ करेंगे। लोगों ने देखना है, वो तो करेंगे भैया, लोगों ने देखना है कि जो ऐसा करता है उसके साथ लोगों ने क्या सलूक कर रहा है। शुक्रिया। एक सवाल और सिर्फ, मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नूर के कायदीन ने जो है वो जेलें बर्दाश्त की रोए नहीं, तहरीक इंसाफ के कायदीन गिरफ्तार होते हैं दूसरे दिन रोना शुरू हो जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बड़ी हिम्मत से उन्होंने, देखिए लंदन में बर्दाश्त नहीं करना, बड़ी बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया जाएगा। ये बताइए, आगे भी करेंगे, एक सेकंड, ये बताइए मुशर्रफ के दौर में मौहिदा वो अल्लाह को प्यारे हो गए, आज उनकी तदफीन भी है, खुदा उनको गरीब के रहमत करे, उसके दौर में मौहिदा लोगों की नजरों से छुपा के किसने किया? कौम जानती है, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से फरार किसने हासिल किया? कौम जानती है, रिपोर्ट झूठी थी, हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यकीनन भेजा, नेक नियती से भेजा कि अगर उनकी जान को खतरा लाहक है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका इलाज हो, ये इंसानी कदरें हैं, हमने उन इंसानी कदरों का मुजाहरा किया, लेकिन रिपोर्ट एक मन घड़त रिपोर्ट पर बाहर भेजा गया, किसने भेजा? खामोशी से गाड़ी की डिग्गी में मुलाकातें किसने की? लंदन की रुखसती कैसे हुई, वापसी क्यों कर हुई? जी ये सब चीजें हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं और आएंगी, और लोग इसका नोट कर रहे हैं, दबा लेंगे, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में आप बहुत सी चीजें दबाना चाहें भी तो नहीं दबती। थैंक यू जी। खूने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशा गरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह, ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा, गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।